नगर निकाय चुनाव लड़ने वाला प्रत्याशी 11 नवंबर तक ही बूथ बदलवाने के लिए एडीएम फाइनेंस के कार्यालय में दे सकता है आवेदन। जांच करने के बाद लिया जाएगा निर्णय। दावे व आपत्तियों का 7 नवंबर को ही समय हुआ समाप्त। एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने दी जानकारी। हत्या के आरोप में एक अभियुक्त संतोष कुमार चौधरी को पिपराइज थाने की पुलिस ने 48 घंटे के अंदर किया गिरफ्तार, भेजा जेल। सीओ चौरी चौरा मानुष पारिक ने दी जानकारी। फर्जी नंबर प्लेट लगाकर ट्रांसपोर्ट से सामान बुक कराकर उस सामान को बेच देने वाले अंतरराज्यीय गिरोह के 3 अभियुक्तों को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। 72,000 रुपया सामान व घटना में प्रयुक्त ट्रक को किया बरामद। सीओ कैंट श्याम देव बिंद ने किया खुलासा। छाछठवीं अखिल भारतीय रेलवे पुरुष वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2022-23 पर दक्षिण पश्चिम रेलवे ने पूर्वोत्तर रेलवे को हराकर किया कब्जा। दक्षिण मध्य रेलवे को प्राप्त हुआ 3रा स्थान। पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक एवं संरक्षक नरसा चंद्र वीर रमन ने विजेता एवं उपविजेता तथा 3रे स्थान पर रही टीम को पुरस्कृत कर किया सम्मानित। कहा, खेल के माध्यम से लोगों के अंदर हिम्मत, मजबूती और काम करने की मिलती है प्रेरणा। डेंगू से नहीं हुई है चौरी चौरा थाने में तैनात महिला कांस्टेबल की मौत। सीमा रुक आशुतोष कुमार दुबे ने दी जानकारी। कहा, जनपद में मिले हैं 192 डेंगू के मरीज और 4 मरीज जिला अस्पताल में हैं भर्ती। आज तक जिले में डेंगू से नहीं हुई है किसी मरीज की मौत। खेतों में ना जलाए पराली किसान भाई, ना जरूरत हो तो पराली को दे दे ग्राम पंचायत को। एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने किसानों से की अपील। विजय चौराहे से बैंक रोड तक पुलिस प्रशासन एवं नगर निगम प्रवर्तन दल की टीम ने चलाया अतिक्रमण के खिलाफ अभियान। नगर निगम के प्रवर्तन दल प्रभारी कर्नल सीपी सिंह ने कहा, अतिक्रमण किए 3 दुकानदारों का 2,000 का काटा गया चालान की अपील। अपनी जगह तक ही लगाएं अपनी दुकान, रोड पर ना करें अतिक्रमण। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के महानगर प्रशिक्षण वर्ग का भाजपा के प्रदेश महामंत्री एवं विधान परिषद सदस्य अनूप गुप्ता ने किया शुभारंभ। कहा, नगर निगम चुनाव में पूरे उत्तर प्रदेश में परचम लहराने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। दो शातिर मोटरसाइकिल चोर नितिन साहनी व पृथ्वीपाल को गुलेरिया थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। चोरी की 2 मोटरसाइकिल किया बरामद, भेजा जेल। और 122 क्रय केंद्रों पर की जा रही है जिले में धान की खरीदारी। एडीएम फाइनेंस ने कहा, किसान धान सुखा कर ले जाए क्रय केंद्रों पर बिक्री के लिए। अभी तक 4,000 क्विंटल तक धान की जा चुकी है खरीदारी, आगे भी खरीदारी है जारी।